वहाँ क्या जुदो करत है, शहबतहा तेरा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तेरा और तेरे टकड़ों पे पले पले गैर की ठोकर पे नडाल नडाल छिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ किसन का तेरा तेरा भागा न कसिक रखा है साया तुझ पर बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा जहाँ से मैंने आगाज किया उसी का तर्जमा करना है और दावत ना देनी है कि मेरा फायदा न कसिक रख अल्लाह फरमाता है सोनिया तो ही तो होगी मेरी रिसालत होगी मेरी अकल तो होगी मेरी हुकूमत होगी तेरी जबरील होगा मेरा और नकर होगा तेरा बुरा तो होगा मेरा सवारी होगी तेरी नसीकर होगा मेरा मसीकर होगा तेरा चचा होगा मेरा वचचा होगा तेरा जवाल होगा मेरे वो बोल होगा तेरे पसंद होगी मेरी वो मर्जी होगी तेरी जो लफ होगी तेरी कसम होगी मेरी अचेरा होगा तेरा कसम होगी मेरी मदीना होगा तेरा कसम होगी मेरी पसीना होगा तेरा कसम होगी मेरी पसीना होगा तेरा कसम होगी मेरी ये आल होगी तेरी कसम होगी मेरी ये चाल होगी तेरी कसम होगी मेरी ये ढाल होगी तेरी कसम होगी मेरी कुरान होगा मेरा वो नात खान तेरा इंजील होगी मेरी तनात होगी तेरी सिद्दीक होगा मेरा वो चांदी होगा तेरा उस्मान होगा मेरा दामाद होगा तेरा अली होगा मेरा वो शेर होगा तेरा और ये सुन्नी होगे मेरे दीवाने होगे तेरे क्या का जिक्र चेहरा तेरा सब ते करम बथेरा तेरा शहरा विचो शहर मदीना लग गया जिथे मेरा तेरा और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैदल का न था पर मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा क्योंकि मेरा फाना ना कसिक रखा है साया तुझ पर बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा और आखिरी शेर मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे पर ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा कभी चर्चा। मैं दुआ करता हूँ जो बंदा आखिरी शेर पर तीन बार दोनों हाथों को बुलंद करके ये कह दे आका मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा अरे कल कयामत का दिन हो जहरा के बाबा कह दे ये बंदा मेरा कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे पर ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। जबकि पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले काबिले जिद होते हैं लेकिन पढ़ने के बाद काबिले दुआ बन जाते हैं। मेरी मुराद हम शक्ले अलहाज उवैस रजा कादरी जनाब भाई मोहम्मद वसीम रजा कादरी साहब आप रहीम यार खान हमें इस्तेमाल करना है नारे तकबीर नारे रिसालत इसकी जेब में घना मोबाइल है चाहे वो ना बोले खामोश रहे इसकी जेब नोटों से भरी है चाहे वो भी ना बोले चुप रहे जो अपने आप को खान समझता है बड़ेरा समझता है अमीर समझता है अरे वो बंदा कतन ना बोले लेकिन जो अपने आप को मेरे नबी के दर का नौकर कमी फकीर समझता है पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक दोनों हाथों को बुलंद करके बोले नारे रिसालत नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी نہایت ہی شکر گزار آج کی انتظامیہ کا خصوص بالخصوص رو اسحار صاحب ان کے صاحبزادے رو زبیر صاحب ان کے رفقہ خاص طور پر میری حاضری برادر محترم ثنا خان رسول آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں معلوم ثنا خان برادر محترم رو وسیم قادری صاحب جن کے حکم سے حاضری ہو رہی ہے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل میرا پڑھنا آپ سب کا سننا یا مجھ سے قبل جنہوں نے پڑھا یا میرے بعد جنہوں نے پڑھا سب کا پڑھنا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اسٹیج کی زینت کافی علماء کرام اور ثنا خان نقیب محفل ماشاءاللہ تشریف فرما ہے وقت کی قلت ہے اور میری آج طبیعت واقعی ناساز
आज एक मेरा प्रोग्राम दिन को रोहिना वाली था, मैं नहीं वहाँ आया क्योंकि आपको पता है रबी शरीफ का महीना जब से आता है तो लगातार सिलसिला होता है पढ़ने का और गले पे बड़ा असर होता है। तो मैंने कोशिश तो की थी कि छुट्टी मिल जाती मुझे, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी क्योंकि आपने आना लाजमी है। तो चलो मैंने कहा ठीक है भाई, यही हाजिरी होगी, चलें हाजिरी दे के रवाना हो जाएंगे। अब मैंने मुख्तसर हाजिरी देनी है, आप लोगों की मोहब्बतों को समेटना है और यहाँ से चले जाना है। अल्लाह पाक आपके ज़ौक को सलामत रखे और आपके जितने भी दोस्त हैं बाप, ये बच्चे जो है ना बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक खामोश होते हैं, जब ये बोलने भी आ जाए तो बड़े बड़ों को फिर जैसे कहते हैं कि भी बस कर देते हैं इसको। तो ये जितने आगे बैठे हैं बच्चे, ये बस बच्चे ही बने रहें तो अच्छी बात है। तो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना किसी बच्चे ने, ठीक है, खामोश रहना है और मोहब्बत के साथ सिर्फ पढ़ना है। आइए दुरूद पाक का नजराना बाहुदूर सबे कायनात पेश करते हैं मोहब्बत के साथ, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।